कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी टला नहीं है। कई राज्यों में कोरोना के कम मामले सामने आने की वजह से लॉकडाउन जैसे नियम हटा दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना महामारी खत्म हो गई है। उत्तर पूर्व केरल महाराष्ट्र के कई राज्यों में हालात अभी भी चिंतित करने वाले हैं, और वहीं तीसरी लहर आने का खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टरों ने शुरुआत से ही कोरोना नियम के पालन और टीकाकरण पर जोर दिया है। कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अभी भी टीका नहीं लगा है, तो बिल्कुल भी देर न करें, उन्हें जल्द से जल्द टीका लगवाएं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि कैंसर, मधुमेह, हार्ट की समस्या, तो उनको भी टीका लगवाना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों और पहले से भी किसी समस्या से जूझ रहे लोगों की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है, और उनको कोरोना की वजह से गंभीर बीमारी होने का और उससे मौत होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 से 45 के बीच में है, तो अपना आधार कार्ड लेके नजदीकी कोरोना केंद्र में जाके जल्द से जल्द टीका लगवाएं। गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए भी कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है और उन्हें भी लेने की जरूरत है। कोविड टीके के दोनों डोज से ही पूरा होता है टीकाकरण। टीका इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपके संक्रमित होने या बीमार पड़ने का खतरा घटता है, लेकिन कोविड से सुरक्षा पाने के लिए दोनों डोज लेना जरूरी है। कोविड टीके की क्षमता दूसरी डोज के बाद ही बढ़ती है, और अगर आपने सिर्फ एक ही डोज ली है तो आप कोविड से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसलिए दूसरा डोज लेने से कतराएं नहीं और समय पर दूसरा डोज जरूर लगवाएं। टीका लगवाने के बाद साइड इफेक्ट से ना घबराएं। हो सकता है टीका लगवाने की एक दो दिन आपको बुखार या सिरदर्द जैसी समस्या हो, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य या मध्यम साइड इफेक्ट्स इस बात का इशारा है कि टीका आप पर असर कर रहा है। वहीं कोई साइड इफेक्ट ना होने का मतलब ये नहीं कि टीका बिल्कुल अप्रभावी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर कोई अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। टीका सुरक्षित है और वो आपको सुरक्षा देता है। टीका लगाने के बाद भी अगर आपको कोरोना होता है, हालांकि जिसकी संभावना कम है, तो कोरोना का असर ज्यादा नहीं होगा। टीका लगवाने के बाद भी मास्क पहनना जरूरी है। कोविड का टीका आपको बहुत हद तक सुरक्षा देता है, लेकिन अगर कोविड का टीका लगाने के बाद भी आपको कोरोना होता है, तो आपके संपर्क में आने वाले लोगों को भी संक्रमण का खतरा रहता है। आप दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए मास्क पहने और संक्रमण का खतरा कम करें। समय समय पर हाथ धोते रहें, दूरी बनाए रखें और टीका का दोनों डोज लगवाना ना भूलें। ये वीडियो क्विंट के कोविड-19 और वैक्सीन पर आधारित फैक्ट चेक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और असम राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। आप भी हमारी इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हैं। मास्क पहनें, दो गज दूरी रखें, हाथों को साफ रखें, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें।